स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ टेट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं सुपर फास्ट अंदाज की। पश्चिमी चंपारण के नौतन में अवैध शराब कारोबारियों पर पुलिस की छापेमारी। कई गांव में छापेमारी के दौरान 60 लीटर देशी शराब के साथ 8 लोग गिरफ्तार। सैकड़ों लीटर कच्ची शराब को किया गया नष्ट। आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। भागलपुर में सड़क हादसे में बेटे की मौत पर मुआवजा मांग रहे परिजन। एक साल से लगा रहे सरकारी दफ्तरों के चक्कर, अब तक नहीं मिला मौत का मुआवजा। पापुकुड़ के मुफसिल थाने के पुलिस ने पृथ्वी नगर की किराना दुकान में छापा मारकर बरामद की 200 बोतल अवैध शराब। गुप्त सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर दुकानदार समीर शेख को किया गिरफ्तार। कार्रवाई के बाद पाकुड़ उत्पाद विभाग को पुलिस ने की दी सूचना। दीपावली और छठ से पहले खगड़िया के शहरी इलाके में फिर सक्रिय हो गया झपटमार गिरोह। टाउन थाना इलाके में झपटमारों ने चंद घंटे के अंदर कई जगहों से छीने 2,35,000 रुपए। मिडल रोड इलाके में हुई पहली वारदात शहर के जेके एंटी इंटर स्कूल के पास हुई। दूसरी घटना मामले की जांच में जुटे पुलिस। बेगूसराय में युवक की हत्या के बाद सनसनी सड़क किनारे मिला युवक का शव। पुलिस कर रही पूरे मामले की तफ्तीश। बांका में पुलिस ने कराई प्रेमी युगल की शादी। लड़के पक्ष की तरफ से टाली जा रही थी शादी। थाने में दोनों पक्षों को बुलाकर पुलिस ने करवाई शादी। अमरपुर थाना इलाके के सलेमपुर गांव का पूरा मामला। रोहतास में अतिक्रमण के खिलाफ चलाया गया अभियान। सड़क किनारे से हटाया गया अवैध निर्माण। दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की भी अपील। बेगूसराय में भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ चलाया गया अभियान। बुलडोजर से तोड़े गए 4 अवैध पक्के घर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने चलाया अभियान। पाकुड़ में मुफसिल थाना क्षेत्र में अवैध कोयला लदा एक ट्रैक्टर जब्त। सिरसा टोला से पश्चिम बंगाल थी अवैध कोयले को खपाने की योजना। पुलिस को देखते ड्राइवर हुआ फरार। जमशेदपुर के सांकची में दुकान में दिखा जहरीला सांप। अफरा तफरी के माहौल के बीच में बुलाया गया स्नेक कैचर। जंगलों में छोड़ा गया सांप। न्यायिक प्रतियोगिता में कटिहार के पंकज ने लहराया परचम। ढोल नगाड़ों के साथ पंकज का हुआ स्वागत। पंकज की सफलता से दोहराया गंज गांव में खुशी का माहौल। माँ पिता और गुरुओं को दिया सफलता का श्रेय। भारत नेपाल सीमा इलाके का रास्ता बाढ़ और बारिश के चलते बदहाल। प्रसूता को ले जाते वक्त बीच रास्ते में फंस गया ट्रैक्टर। काफी मशक्कत के बाद प्रसूता को पहुंचाया गया अस्पताल। जम्मू में खैरा गहरी मुख्य मार्ग के पावर स्टेशन पर बाइक और ऑटो के बीच में जोरदार टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत, दो की हालत गंभीर। हादसे के बाद परिजनों में मचा कोहराम। जहानाबाद में लड़की को अस्पताल में छेड़कर 4 युवक फरार। बेहोशी की हालत में अस्पताल में लाई गई थी लड़की। डॉक्टर्स ने लड़की को पीएमसीएच किया रेफर। लड़की को जहरीले पदार्थ देने की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखीसराय में ताबड़तोड़ फायरिंग में एक महिला की मौत। महिला का बेटा रोशन कुमार घायल। शर्मा गांव में जमीन को लेकर हुआ था विवाद। लखीसराय के बहड़िया में डीपीएस स्कूल में अज्ञात चोरों ने मचाया उत्पात। कमरे का ताला तोड़कर टीवी और सीसीटीवी को किया गायब। चोरी के बाद पुलिस को दी गई सूचना। धनबाद में बेजुबान बंदर की मौत के मामले में विभाग के द्वारा जमीन के अंदर दफन शव को बाहर निकाला गया। शव के अंग को सील कर पोस्टमार्टम करवाया गया। एक बांह में हड्डी टूटने और दूसरे की कोहनी टूटने के निशान। वन विभाग के अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। वैशाली में दुष्कर्मी भाई को अदालत ने सुनाई 20 साल की कारावास की सजा। 2 साल पहले दोषी ने चचेरी नाबालिग बहन के साथ किया था दुष्कर्म। बिहार के कई जिलों में पहले से सूखे जैसे हालात। अब देर से हुई बारिश ने किसानों की बढ़ाई टेंशन। सैकड़ों एकड़ थाना दनी। दरअसल धान की फसल बर्बाद हो गई है जिससे किसान परेशान है। हजारीबाग में छात्राओं की मारपीट का वीडियो आया सामने। आनंद कॉलेज के छात्राओं में जमकर मारपीट। दोनों छात्राओं के बैठने को लेकर हुआ था विवाद। प्रिंसिपल के संज्ञान में आया मामला। सिवान में बढ़ने लगा बाढ़ का खतरा। दरौली सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही। आसपास के इलाके में जलमग्न। बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंचा। गुमला में युवक की हत्या से सनसनी हत्या के बाद शव को जलाया गया। अज्ञात अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। घाघरा थाना के आदर पंचायत की घटना। अभी शव की नहीं हो सकी है पहचान। पुलिस ने कार से भारी मात्रा में नेपाली शराब किया बरामद। मधुबनी सदर थाना के मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई। हालांकि अंधेरी का फायदा उठाकर तस्कर भागने में कामयाब रहा। तस्कर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कर रही है छापेमारी। कैमूर के करमघट थाना क्षेत्र में 2 ट्रैक्टर चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। मामले में संलिप्त 3 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधियों की शिनाख्त पर दोनों ट्रैक्टरों के पार्ट्स कबाड़ की दुकान से बरामद। दोनों दुकानदार मौके से फरार। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में प्रतिबंधित लॉटरी का कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा। प्रशासन के नाक के नीचे खुलेआम नगर में प्रतिबंधित लॉटरी के कारोबार कर रहे। दीपावली के मौके पर कारोबार 3 गुना बढ़ा। भोजपुर में घर में सो रही किशोरी को सांप ने डसा। इलाज के दौरान हुई मौत। पिहिया थाना क्षेत्र के सुंदरपुर बराज गांव का मामला।
मोकामा विधानसभा उपचुनाव के लिए महागठबंधन के प्रत्याशी नीलम देवी ने किया नामांकन। कार्यकर्ताओं में दिखा भारी उत्साह। नीलम देवी जेल में बंद बाहुबली नेता अनंत सिंह की है पत्नी। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों का आतंकी एक अज्ञात युवक की गोली मारकर हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंका। दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके में फैली सनसनी। गढ़हारा थाना क्षेत्र के 6 नंबर ढाला के पास की घटना। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नालंदा में महिला के साथ छेड़खानी का मामला आया सामने। विरोध करने पर की गई महिला की पिटाई। शौच के लिए घर से बाहर गई थी महिला। जख्मी महिला को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाया गया। बिहार थाना क्षेत्र के इमादपुर मोहल्ले की घटना। केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के समर्थन में बीजेपी बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार में शामिल कई मंत्रियों और अधिकारियों पर बोला हमला। कहा हेमंत सरकार के कई राजनेता और अधिकारी ईडी के रडार पर। गया में एलजेपी एससी एसटी प्रकोष्ठ की हुई बैठक। बैठक में कार्यकर्ताओं को किया गया सम्मानित। लोजपा नेता चितरंजन प्रसाद ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा हर बूथ पर 11 कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी करेंगे। बोकारो के बीजेपी विधायक विरंची नारायण का सोनाबाद पंचायत के लोगों ने किया विरोध। पंचायत के लोगों ने विधायक का फूका पुतला। स्थानीय ग्रामीणों ने बोकारो विधायक को झारखंड संस्कृति भाषा खतियान का विरोध बताया। बलियापुर थाना क्षेत्र के बागमारा पंचायत में कुएं से 27 साल की महिला और नवजात बच्ची का शव बरामद। बताया जा रहा एक हफ्ते से लापता था महिला लापता थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पाकुड़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। महेशपुर पुलिस ने कालूपाड़ा के पास 260 पीस जिलेटिन और 260 पीस डेटोनेटर बरामद किया। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। समस्तीपुर को सीएम ने दी बड़ी सौगात। नवनिर्मित इंजीनियरिंग कॉलेज का सीएम ने किया उद्घाटन। 2020 में हुआ था कॉलेज का शिलान्यास। समस्तीपुर में 75 करोड़ की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज का हुआ निर्माण। कॉलेज में 300 छात्र छात्राओं को मिला दाखिला। तय समय से एक साल बाद कॉलेज का उद्घाटन। समस्तीपुर के सराय रंजन के नरघोघी में कॉलेज के सौगात से इलाके के छात्र खुश। सीएम ने कॉलेज के उद्घाटन के बाद किया संबोधित। कहा पहले राज्य का विकास किया अब देश का करना है विकास। अनंत सिंह के बाद गिरा आरजेडी का दूसरा विकेट। कुढ़नी विधायक अनिल सैनी की गई विधानसभा सदस्यता। अब कुढ़नी में भी होगा उपचुनाव। जेडीयू नेता गब्बू सिंह की कई ठिकानों पर आयकर विभाग के छापेमारी। ललन सिंह के करीबी हैं जेडीयू नेता गब्बू सिंह। गब्बू सिंह के कार्यालय गोविंदा कंस्ट्रक्शन पर रेड। गब्बू सिंह के ठिकानों पर आईटी के छापेमारी पर गरमाई सियासत। आईटी के रेड पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी जब सत्ता से बाहर रहती है तो ऐसे ही एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। जेडीयू नेता के ठिकानों पर आईटी के रेड पर आरजेडी प्रवक्ता ने उठाए सवाल। मृत्युंजय तिवारी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर साधा निशाना। बिहार में मिशन 2024 में जुटे बीजेपी बिहार। बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े का बिहार दौरा। 3 दिनों तक बिहार के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। नए अध्यक्ष को लेकर बैठक में होगा मंथन। बिहार दौरे पर आ रहे हैं कांग्रेस नेता शशि थरूर। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं शशि थरूर। चुनाव में समर्थन के लिए पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। जदयू विधायक सिद्धार्थ पटेल का बड़ा बयान। कहा छुट्टियों में कोर्ट खुलवाकर बीजेपी आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में भाजपा का पोल खोल अभियान चलाया गया। यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का बिहार के बक्सर तक हुआ विस्तार। अब लखनऊ से पटना तक का सफर होगा आसान। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर जानकारी दी। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर एक्शन में तेजस्वी यादव। देर रात एनएमसीएच पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री के अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हालचाल जानने की खबर। पटना में कई दलों के एक दर्जन नेता ने थामा जेडीयू का दामन। पार्टी के कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दिलाई सदस्यता। आरजेडी विधायक अनिल सैनी की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह बोले जेडीयू और आरजेडी नेताओं पर भी साधा निशाना। मानसिक रूप से बीमार करार दिया। झारखंड में कैश कांड मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। न्यायाधीश एस के द्विवेदी की अदालत ने की मामले की सुनवाई। चार्जशीट दाखिल करने पर लगी रोक। अदालत का आदेश मामले की जांच रहे जारी। झारखंड में बेटियों पर हो रहे जानलेवा हमले को लेकर सरकार पर विपक्ष ने उठाए सवाल। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड सरकार को लिया आड़े हाथों। कहा राज्य में सुरक्षित नहीं महिलाएं। रोहतास के काराकाट ग्राम पंचायत मॉनिटरिंग के लिए अमोना पंचायत पहुंचे डीडीसी। पंचायत में सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की डीडीसी ने की समीक्षा। योजनाओं को पंचायत के सभी गांव तक पहुंचाने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। रात्रि विश्राम कार्यक्रम के दौरान सुनी पंचायत के लोगों की समस्याएं।
लखीसराय स्टेशन के नजदीक रेल परिसर में सालों से बड़े बसे दलित महादलित परिवार को हटाए जाने के आदेश के विरोध में लोगों ने की डीएम से मुलाकात। रेल प्रशासन की ओर से विस्थापन पर रोक लगाए जाने की मांग। 560 परिवारों को जमीन देकर कॉलोनी बसाने की लगाई गुहार। लोहरदगा में रेलवे स्टेशन में कलकत्ता गार्डन के रिच रेलवे के 5 सुरक्षा अधिकारियों ने किया निरीक्षण। लोहरदगा रांची ट्रेन में 4 बोगी बढ़ाने की कही बात। आने वाले समय में लोहरदगा में राजधानी ट्रेन समेत दूसरी ट्रेनों के ठहराव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। कटिहार के विनोदपुर हल्का में कचहरी के नजदीक हाई टेंशन तार की चपेट में आया युवक। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। नाजुक हालत देखकर हायर सेंटर किया गया रेफर। धनबाद में कुर्मी जाति को आदिवासी जाति के सूची में शामिल करने की मांग। आदिवासी का दर्जा पाने के लिए पहले भी कर चुके हैं आंदोलन। पूर्णिया में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत युवा उत्सव का आयोजन। 15 से 29 साल तक के छात्रों ने लिया भाग। पेंटिंग खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। बिहार के नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। 1 नवंबर को होगी धान की खरीद। क्रय केंद्रों पर धान बेच सकेंगे किसान। 1940 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित। बिहार सरकार से धान खरीद के मूल्य निर्धारण से गया कि किसान नाखुश। लागत से कम मूल्य देने का सरकार पर किसानों ने लगाया आरोप। 3000 रुपए प्रति क्विंटल रुपए की मांग। नालंदा में सैनिक स्कूल का 20वां स्थापना दिवस भव्यता और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ कुलपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। बेगूसराय में लगातार बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप। कई इलाकों में जल जमाव से लोगों में डेंगू को लेकर डर। बलिया प्रखंड के जानीपुर भगवतपुर समेत कई इलाकों में सड़कों पर जल जमाव से लोग परेशान। शहर में अवैध तरीके से होर्डिंग और बैनर पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ नगर निगम में चलाया गया अभियान। नगर निगम के आयुक्त शैलेंद्र लाल के निर्देश पर निगम कर्मचारी अवैध रूप से लगाए गए पोस्टरों को हटाते नजर आए। निगम कर्मचारी ने कहा बगैर परमिशन पोस्टर बैनर और होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। राज्य भर के अंचल राजस्व उप निरीक्षक 11 सूत्री मांग के समर्थन में 25वें दिन भी हड़ताल पर डटे। राज्यव्यापी हड़ताल की वजह से जिले के सभी अंचलों के आए आवासीय और जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदनों का अंबार लगा। आवेदनों की संख्या 2 लाख के पार हुई। लोहरदगा के महिला इंटर कॉलेज के इंडोर स्टेडियम में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का उद्घाटन। SPR राजकुमार ने किया टूर्नामेंट की शुरुआत। टूर्नामेंट में राज्य भर के 175 खिलाड़ी रहे शामिल। गया में शराब का सेवन करने से लोगों को रोकने के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान। पहली बार शराब का सेवन करने पर पकड़े जाने पर घर पर नेम प्लेट की जगह उत्पाद विभाग का पोस्टर चिपकाया जाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 1 साल की सजा। बोकारो के निजी अस्पताल में एम्बुलेंस चालकों की अमानवीय करतूत। एम्बुलेंस कर्मचारी ने मनमाने किराए मांगे। देर हो जाने के चलते नहीं बचाई जा सकी मरीज की जान। मरीज को रेफर किया गया था बोकारो जनरल अस्पताल। मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसा। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने किया प्रदर्शन। अहियापुर थाना क्षेत्र के पटियास चौक की घटना। भोजपुर के सकड्डी नासरीगंज मुख्य मार्ग पर युवक को अज्ञात ट्रैक्टर ने रौदा अस्पताल ले जाते वक्त युवक ने रास्ते में दम तोड़ा। परिजनों में मचा कोहराम। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। छपरा के बनियापुर मार्ग पर 2 ट्रैक्टरों में जोरदार भिड़ंत। हादसे में 1 ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत। दूसरे चालक की हालत गंभीर। घायल को इलाज के लिए अस्पताल करवाया गया भर्ती। नालंदा में अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की हुई मौत। 2 लोग हुए घायल। दोनों घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। हादसे में आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर आगजनी की और जमकर हंगामा काटा। सीतामढ़ी में स्वच्छ बिहार अभियान के तहत उत्कृष्ट पंचायतों में पहल शुरू। डीएम ने पैडल और ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाई। सूखा और गीला कचरा को अलग अलग डस्टबिन में रखने की अपील की। हजारीबाग में यातायात नियमों का पालन करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से चलाया गया जागरूकता अभियान। 18 साल से कम बच्चों को गाड़ी नहीं देने के लिए परिजनों से लगाई गई अपील। लोगों से भी ट्रैफिक नियम पालन करने की अपील की गई। झारखंड में 3रे साइंस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की गई है। बोकारो स्टील के मानव संसाधन विकास केंद्र में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। इस दौरान साइंस फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी ने दीप प्रज्वलित करके किया है। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन क्लीन। अनंतनाग में दहशतगर्दों से मुठभेड़। आतंकियों को घेर कर किया ढेर। अनंतनाग में एनकाउंटर के सामने आई लाइव तस्वीरें। सेना के पूरे इलाके को घेर कर फायरिंग की खबर। दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 12 नवंबर को होगी वोटिंग। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। गोरखपुर में दोहरी घाट इलाके में सरयू नदी उफान पर। घाट पर बहकर आया बड़ा पीपा पुल। जयपुर में एक बच्चे पर भारी पड़ी प्रशासन की लापरवाही। ई रिक्शा के गड्ढे में गिरने से मासूम ने गवाई अपनी उंगलियां। CCTV में कैद हुआ हादसा। यूपी के गाजियाबाद में मकान मालिक ने चलाई गोली। अज्ञात लोगों की आहट सुनकर की फायरिंग में एक शख्स की मौत। अन्य घायल। फिर सामने आया पिटबुल के हमले का मामला। गाजियाबाद में 11 साल की बच्ची को काटा। पीड़ित परिवार ने दर्ज करवाई शिकायत।
गाजियाबाद के बाजार में हाई वोल्टेज ड्रामा। करवा चौथ पर एक शख्स को गर्लफ्रेंड को शॉपिंग करवाना पड़ा महंगा, पत्नी ने बाजार में जमकर पीटा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी, बड़े नुकसान का अनुमान, फिलहाल आग की वजह साफ नहीं। कानपुर में मेट्रो के निर्माण कार्य के दौरान हादसा, खुदाई के दौरान सड़क धंसने से गड्ढे में गिरी बाइक, अंडरग्राउंड स्टेशन बनाने का चला रहा है काम। बुलंदशहर के रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ घुसने से मचा हड़कंप, करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ पर काबू पाया। अयोध्या में छठे दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर, राम के पैड़ी के साथ लक्ष्मण घाट आरती स्थल भी होंगे दीयों से रोशन, दूर दूर से पहुंच रहे दिए। दिल्ली में महंगाई के मार, सब्जियों का दाम आसमान छू रहा, महंगी सब्जियों से रसोई का बिगड़ा बजट। उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व में बड़ी लापरवाही, टाइगर रिजर्व से बाघों के लापता होने की खबर, लंबे वक्त से ट्रेस नहीं हुई कई बार। रिलीज के पहले फिल्म आदि पुरुष का विरोध, जौनपुर में डायरेक्टर ओम राउत और एक्टर सैफ अली खान के खिलाफ शिकायत दर्ज। शेयर बाजार आज हुआ गुलजार, सेंसेक्स में 684 अंकों का भारी उछाल, 57,919 पर पहुंचा। सूरत एयरपोर्ट से हैरान करने वाला वीडियो हुआ वायरल, प्लेन के टेकऑफ के वक्त कॉकपिट पर बैठा नजर आया बच्चा, वीडियो वायरल होने पर एयरपोर्ट अथॉरिटी में मचा हड़कंप। आईआईटी दिल्ली में चिनूक ड्रोन का अपडेट वर्जन जल्द होगा लॉन्च, 25 किलो वजन के क्षमता के साथ उड़ सकेगा ड्रोन, आईआईटी कानपुर से तैयार किया गया। केरल के कुट्टुपारंबा में 17 साल के छात्र का कमाल, कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया रोबोट, घर पर खाना और न्यूज़पेपर डिलीवरी करने में करेगी मदद। मोहम्मद शमी को T20 वर्ल्ड कप टीम में मिली जगह, जसप्रीत बुमराह की जगह हुए रिप्लेस, बीसीसीआई के आधिकारिक ऐलान। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ा तनाव, रूसी सेना के खिलाफ एक्शन में यूक्रेनी फौज, रूस को धमकाने के लिए दागी टोचका मिसाइल, दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाकर मकसद दागने का। रूस पर हमलावर यूक्रेन सैनिक के MI-8 हेलीकॉप्टर से रूसी ठिकानों को बनाया निशाना, मिसाइलों की बारिश। रूसी सेना पर यूक्रेनी फौज का हमला, ZSU टैंक से जबरदस्त बमबारी, दूर दूर तक सुनाई थी धमाके की आवाज। रूसी BMP-3 को यूक्रेनी फौज ने बनाया निशाना, बमबारी से तोप के परखच्चे उड़े, जंगल के बीच से छिपकर फायरिंग। रूसी सैनिकों पर यूक्रेनी फौज की बमबारी, रूसी सैन्य दस्ते को बनाया निशाना, रूसी सेना को भारी नुकसान का अंदेशा। रूसी यूक्रेन जंग में नजर आई ड्रोन फाइट, आसमान में नजर आया रूस और यूक्रेन के ड्रोन, यूक्रेनी ड्रोन की हुई जीत। ओविजर तोप से यूक्रेनी फौज को निशाना बना रही है रूसी सेना, यूक्रेनी टैंक को नुकसान पहुंचाना मकसद। यूक्रेनी MiG-29 का रूसी ठिकानों पर बमबारी, हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान, सैन्य गाड़ियां भी तबाह।